1, 2, 3. स्वागत है आप सबका, आई एम डिजिटली योर्स। अरे यार मजा नहीं आ रहा है, इस एको का कुछ करना पड़ेगा। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स के इस ताजा तरीन तड़कते भड़कते एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, या आप डबिंग या वॉइस ओवर करते हैं, या आप गाने गाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट में ऑडियो क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एकूस्टिक ट्रीटमेंट या एकूस्टिक पैनलिंग के बारे में। वैसे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें, क्योंकि हम करते हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स और ढेर सारी मस्ती। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या IGTV पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम डिजिटली योर्स और इंट्रो। तो इंट्रो में जाने से पहले हमने बात की थी एक टेक्निक के बारे में जिसका नाम है एकूस्टिक ट्रीटमेंट या एकूस्टिक पैनलिंग। अब आप पूछेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, बताता हूँ। दोस्तों, एज अ वीडियो क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे कंटेंट में ऑडियो क्वालिटी क्रिस्प रहे, क्लियर रहे और उसमें क्लैरिटी बरकरार रहे। इसके लिए हम तरह तरह के माइक्रोफोन्स खरीदते हैं, जैसे कि लैपल माइक, शॉटगन माइक, USB माइक। लेकिन माइक्रोफोन एक हद तक आपके ऑडियो क्वालिटी को एनहांस कर सकता है। अगर आप चाहते हैं स्टूडियो क्वालिटी का ऑडियो अपने कंटेंट में, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को कंट्रोल, और इस टेक्निक को कहते हैं एकूस्टिक ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि आप एक छोटे कमरे में हैं और उस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है और चारों तरफ सिर्फ दीवारें हैं। ऐसे सिचुएशन में जब भी आप बात करेंगे या वॉइस ओवर करेंगे तो आपकी आवाज़ उस कमरे में गूंजती है। इस गूंज या एको को रिवर्बरेशन कहते हैं, और ये ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी हद तक ख़राब कर देता है। इसको आप निकाल सकते हैं कुछ हद तक एडिटिंग में, लेकिन वो वाली इफ़ेक्ट नहीं आती है। और एकूस्टिक ट्रीटमेंट की मदद से हम इस रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। एकूस्टिक ट्रीटमेंट या एकूस्टिक पैनलिंग में आप साउंड अब्जॉर्बिंग मटीरियल को अपने दीवार पर लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं एक ब्रीदेबल फैब्रिक से, जिसकी मदद से आपका साउंड अच्छा आता है, आपका साउंड गूंजता नहीं है और आपकी दीवारें भी अच्छी रहती हैं। तो आज करेंगे एकूस्टिक ट्रीटमेंट मेरे छोटे से कमरे का जो मेरे घर पे है, जिसे मैं अपना मंदिर, अपना स्टूडियो मानता हूँ, और उस कमरे का एकूस्टिक ट्रीटमेंट हम करेंगे, ताकि आप सबको मेरे वीडियोज़ में ऑडियो क्वालिटी अच्छे से आए। चलते हैं मेरे मंदिर में। तो ये लीजिए, हम आगे अपने कमरे में, छोटा सा कमरा है जहाँ पे हम अपना एडिटिंग और वॉइस ओवर करते हैं। अब इस कमरे में जो प्रॉब्लम ये है कि छोटा कमरा है वो तो ठीक है, लेकिन तीनों तरफ जो है दीवार है और यहाँ पे ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म भी है, जिसका मतलब ये है कि जब भी मैं बात करता हूँ या वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आपको एक एको सुनाई देगा, एक रिवर्बरेशन सुनाई देगा, जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वीडियो में और वीडियो क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे हम एकूस्टिक ट्रीटमेंट के साथ। हम इस दीवार पे और इस दीवार पे एकूस्टिक पैनल्स लगाएंगे, जिसकी मदद से साउंड जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा और होपफुली हमारे वीडियोस में आपको बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो स्टेप वन है कि आपको आपके दीवारों के लिए एक डिज़ाइन चुनना पड़ेगा। हमने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन चुना है, रेड और ग्रे पैटर्न में। सबसे पहले डिज़ाइन के हिसाब से दीवार पे प्लाईवुड की फ्रेमिंग की जाती है और उसके बाद इस तरीके का ग्रिपर लगाया जाता है। हम एक बजट पे हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं फोम। फोम को कट करके ग्रिपर में इस तरीके से फिट किया जाता है और उसके ऊपर लगाया जाता है ये फैब्रिक। ये एक ब्रीदेबल फैब्रिक है, जिसका मतलब ये है कि ये साउंड अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करेगा। मैं एडवाइस करूँगा कि आप इस तरीके का काम एक प्रोफेशनल वॉल पैनल या एकूस्टिक पैनल कॉन्ट्रैक्टर से करवाइए, वरना आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। इस पूरे काम को करने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 दिन जाएगा और खर्चा हो सकता है 8,000 रुपीज़ से लेकर 9,000 रुपीज़ तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा डिज़ाइन आप चुनेंगे उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग और मटेरियल चेंज होगा। अगर आप एक टाइट बजट पे हैं या रेंट पे रह रहे हैं
तो आप अमेजोन से इस तरह के साउंड फोम्स को खरीद सकते हैं जिसको आप अपने दीवार पे लगा के अपने ऑडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से हमारा रूम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर अकुस्टिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं प्ले करूंगा हमारा पुराना क्लिप बिफोर अकुस्टिक ट्रीटमेंट। हम इस दीवार पे और इस दीवार पे अकुस्टिक पैनल्स लगाएंगे जिसकी मदद से साउंड जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा और होपफुली हमारे वीडियोस में आपको बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। तो ये लीजिए, हमने अपने रूम में अकुस्टिक पैनलिंग और अकुस्टिक ट्रीटमेंट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे रेड और ग्रे का पैटर्न किया है और इसके पीछे फोम है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे कि बिफोर एंड आफ्टर ऑडियो में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने रूम में अकुस्टिक ट्रीटमेंट और अकुस्टिक पैनलिंग कर लिया है। वैसे रूम अभी पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं है, मुझे यहाँ पर मेरा कंप्यूटर सेटअप करना है, वायरिंग सेटअप करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो तक ये हो जाएगा। जो लास्ट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता था वो था कि आपके पास दो ऑप्शन है अकुस्टिक ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे पहला है नॉर्मल फोम, ये एक बजट ऑप्शन है जो हमने चुना है यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन है ग्लासवुल। अब ग्लासवुल एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक चीज़ चुन सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक करिए, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या कुछ मज़ेदार चीज़ लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेटअप कैसे लगा। आपसे वीडियोस यहीं शूट होंगे। चलते हैं।